अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रमज़ान के पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ आगरा गई थी। आगरा जाकर सबसे पहले हम लोग देखने के लिए गए ताजमहल। ताजमहल के अंदर जाने के लिए हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया था। ऑनलाइन टिकट बुक करने के एक फ़ायदे हैं क्योंकि हम लोगों को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी। हम लोग ताजमहल के अंदर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। धूप बहुत तेज़ थी, हम लोग थक भी गए थे। पेड़ के नीचे बैठकर हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया और पानी भी पिया। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है ताजमहल का। ताजमहल के पिक्चर पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल दुनिया में सातवां अजूबा के नाम से जाना जाता है। ताजमहल को दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं। ताजमहल का निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना गया है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊँचा और 80 फीट चौड़ा है। मुग़ल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती हैं। मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। शाहजहाँ और मुमताज़ का मकबरा देखने के लिए हमने 200 रुपये की टिकट ली। उसके बाद हम लोग अंदर गए और उनका मकबरा देखा। वहाँ वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। ताजमहल के निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस, ईरान, इजिप्त आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीदकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। आगरा का ये ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।